तो हम अब ये देखते हैं कि एक प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट में पावर डेवलप्ड क्या होता है। तो लेट मी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, एक सवाल आपके लिए। हमने थोड़ी देर पहले यह देखा था कि एवरेज करंट इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जीरो होता है। तो क्या, क्योंकि करंट और पावर क्लोजली रिलेटेड है, क्या हम ये कह सकते हैं कि मीन या एवरेज पावर भी जीरो होता है? द आंसर इज नो, और हम थोड़ी देर में देखते हैं कि ऐसा क्यों। किसी भी रेजिस्टर में जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसका वही रूल है जो हम डीसी सर्किट्स में यूज करते हैं। पी इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आर। डीसी सर्किट्स में भी आई स्क्वायर आर ही पावर होता है, बट यहां पे बस ये फर्क है, ये जो आई है जिसका स्क्वायर किया जा रहा है, ये आई है आई एम साइन ओमेगा टी। ये आई खुद वेरी कर रहा है, वहां पे डीसी सर्किट्स में आई कॉन्स्टेंट था, और आई क्योंकि वेरी कर रहा है पावर भी वेरी करेगा अलग अलग टाइम पे। तो आई को मैं आई एम साइन ओमेगा टी सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे मिलेगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, जिसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है आई एम स्क्वायर आर जो कांस्टेंट है इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये मेरा इंस्टेंटेनियस पावर है किसी भी टाइम पे। तो अगर मुझे एवरेज पावर निकालना है, जो पहले निकाला वो तो इंस्टेंटेनियस पावर था, एवरेज पावर क्या होगा? अलग अलग टाइम पे जो पावर है उसको मैं ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड करूं तो वो होगा मेरा एवरेज पावर। और मैंने यहां वही किया है, पी एवरेज, पी बार से जो मैंने डिनोट किया है वो है सम अपॉन टोटल टाइम। अब सम करने के बजाय हम क्या करेंगे, इंटेग्रल करेंगे, क्योंकि इंटेग्रल भी एक प्रकार का सम ही होता है। तो अलग अलग टाइम पे जो पावर है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इंटीग्रेट करने का मतलब है उसको ऐड करेंगे और टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को सब्सटीट्यूट करें ऊपर से, तो पी है आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटेग्रल जीरो टू टाइम पीरियड अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें आई एम स्क्वायर आर और टी तो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, उसको बाहर निकाल देते हैं, तो पी बार हो गया आई एम स्क्वायर आर बाई टी इंटेग्रल जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटेग्रल हमने मैथ्स में सीखा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिखते हैं हाफ वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। अब इस इंटेग्रल को अगर हम इवेल्युएट करें तो जो पहला पार्ट है हाफ को बाहर निकाल देंगे, आई एम स्क्वायर आर बाई टू टी बाहर हट जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो पहला इंटेग्रल बचा होगा इंटेग्रल जीरो टू टी वन डी टी जो हो गया कैपिटल टी, और दूसरा इंटेग्रल बचा होगा इंटेग्रल जीरो टू टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी। तो इंटेग्रल जीरो टू टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी अगर आप करें तो आप पाएंगे कि वो जीरो होता है, क्योंकि कॉस का एक कंप्लीट टाइम पीरियड में हमेशा इंटेग्रल जीरो होता है। ये आप चाहिए तो इंटीग्रेशन में चेक भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एवरेज पावर हो गया हाफ आई एम स्क्वायर आर, क्योंकि सेकेंड टर्म जीरो हो गया, अब दोनों को अगर आप ऐड करो तो बचा होगा हाफ आई एम स्क्वायर आर। इसका मतलब यह है कि एवरेज पावर डेफिनेटली जीरो नहीं है। तो हमारा जो पहला अजर्शन था कि करंट का एवरेज जीरो हो सकता है बट पावर का एवरेज जीरो होना जरूरी नहीं है, वो प्रूव हो गया, क्योंकि पावर का एवरेज यहां पे एक पॉजिटिव नंबर है आई एम स्क्वायर आर बाई टू। अब पावर तो डीसी में होता है, पावर किसी भी सर्किट में अगर करंट आई होता है और रेजिस्टेंस आर होता है, पावर तो आई स्क्वायर आर होता है। यहां पे हमें पावर, एवरेज पावर मिल रहा है आई स्क्वायर आई एम स्क्वायर आर बाई टू। तो इस इन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम एक नया डेफिनेशन लाएंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट, जिसको हम आई आर एम एस से डिफाइन करेंगे। तो हम ये देखते हैं ये रूट मीन स्क्वायर करंट होता क्या है। ये रूट मीन स्क्वायर करंट एक ऐसा तरीका है जिसको यूज करके हम डायरेक्टली पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो हमने ये देखा कि P बार है हाफ आई एम स्क्वायर आर, अब इसको आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर के तौर पे लिखें ताकि इस डीसी पावर का फॉर्मूला और एसी पावर का फॉर्मूला सेम रहे, समथिंग स्क्वायर इंटू आर। तो इनको कंपेयर करें तो ये तभी पॉसिबल है अगर आई आर एम एस आई एम बाई रूट टू के बराबर है। तो अगर आई आर एम एस आई एम बाई रूट टू के बराबर है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आई आर एम एस को होना पड़ेगा 0.707 आई एम। तो अगर आई आर एम एस इट इज इक्वल टू 0.707 आई एम, तो इसका मतलब यह है कि हम आई आर एम एस स्क्वायर आर से डायरेक्टली पावर निकाल सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, आई आर एम एस इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय रूट टू, और 1 बाय रूट टू क्योंकि 0.707 होता है, तो आई आर एम एस हो गया 0.707 आई एम। सिमिलरली वी आर एम एस भी होता है वी एम बाय रूट टू विच इज 0.707 वी एम। तो किसी भी चीज का आरएमएस वैल्यू निकालना है हमको एसी सर्किट्स में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हमें रूट टू से डिवाइड करना है।
तो Vm by root 2 Vrms हो गया, और 1 by root 2 क्योंकि 0.707 होता है, तो हम maximum value को 0.707 से multiply करें तो भी same answer आएगा।